हेलो, आज का क्वेश्चन आया स्पर्म इंक्रीज के बारे में बताऊं। स्पर्म इंक्रीज हम इसको यूं कॉल करते हैं, इस इनफर्टिलिटी, इसमें इसी में आपका स्पर्म्स का काउंट भी आ जाता है, स्पर्म्स की क्वालिटी भी आ जाती है, क्वांटिटी भी आ जाती है। इसमें क्या क्या आता है? लपीडो, मतलब जिसमें आपकी, जिसको हम सेक्स ड्राइव बोलते हैं। फिर इसमें इसको इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो आपका इरेक्शन होता है वो भी इसी के इसी ग्रुप में आ जाता है। इसी में हम काउंट करते हैं स्पर्म काउंट। मतलब स्पर्म काउंट का ये मतलब हो गया आपके सीमेंस के अंदर स्पर्म्स के कितनी मकदार है, कितने नंबर्स हैं आपके सीमेंस के अंदर स्पर्म के। फिर हम इसको बोलते हैं स्पर्म मोर्टैलिटी। स्पर्म मोर्टैलिटी मतलब के उसकी एबिलिटी के वो कितनी जल्दी मूव करता है। मोर्टैलिटी मतलब मूवमेंट से होता है, कितने उसका जल्दी मिलाप करता है, कितना जल्दी उसका रिएक्शन करता है सीमेंस का, स्पर्म का मीन ओवुलेशन के साथ, इसको हम मोर्टैलिटी बोलते हैं। फिर उसके बाद है टेस्टोस्टेरोन का लेवल। जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा उससे आपकी एवरीथिंग कम होगी। मीन टेस्टोस्टेरोन ही हर चीज़ का रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स लौटता है, लाइक आपके लिपिडो का, आपके इरेक्शन का, आपके स्पर्म का, सब इसी का हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है। समटाइम ये आप में कम होता है क्योंकि आपकी जेनेटिक वजह से होता है, समटाइम आपका लाइफस्टाइल, आप फैटी हो सकते हो, फिटनेस नहीं है आपकी, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, पुअर डाइट उस वजह से हो सकता है, ये सब इसी चीज़ में आ जाता है। इसको आप कैसे बेटर कर सकते हैं? फर्स्ट ऑल रेगुलर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं आप इसको बेटर कर सकते हैं। सेकेंड, स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। स्ट्रेस को मैनेज करेंगे आपको उसका काफ़ी बेनिफिट होगा, आपके स्पर्म्स का काउंट और उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। उसके अलावा हेल्थी फूड लें, जिसमें मोर ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीजनल फ्रूट वेजिटेबल्स, और कोशिश करके ग्रिल करके खाएं, और ओलिव ऑयल का इसको यूज़ कीजिए, वर्जिन ऑलिव ऑयल। उसमें ओमेगा 3 होता है जो काफ़ी हेल्प करता है आपके मोर्टैलिटी के लिए एज वेल। और इसके अलावा सप्लीमेंट लीजिए, सप्लीमेंट में जो आपके इंक्रीज कर सकते हैं स्पर्म्स का काउंट, माँ का उस पर नंबर 1 आता है। सेकंड पे आप उसको ले आएँ अश्वगंधा, अश्वगंधा स्ट्रेस को मैनेज करता है और आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी हाई करता है, माँ का आपका स्पर्म्स का काउंट और उसकी क्वालिटी क्वांटिटी प्लस आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा उसको बैलेंस करेगा, आपका सेक्स ड्राइव बढ़ेगा, इससे आपके विशेज़ बढ़ेंगी, इससे जितना भी जब विशेज़ बढ़ेंगी, जब जितना आप ज़्यादा रिलेशन करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपको प्रेगनेंसी के, जब रिलेशन कम होगा उसके चांस भी कम होंगे प्रेगनेंसी के। और इसके अलावा विटामिन डी, विटामिन डी 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो भी आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और स्पर्म्स की क्वालिटी के लिए अच्छा है। विटामिन सी हो गया जो एंटी ऑक्सीडेंट है, जितने फ्री रेडिकल्स बॉडी से निकालेगा, प्लस आपके पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा मूव होती है विटामिन सी की वजह से, और हर चीज़ के लिए बूस्ट करता है, और हर चीज़ आपकी जब विटामिन सी लेते हैं हर चीज़ आपकी बॉडी जल्दी कैच करती है, हेल्प करता है आपको अब्जॉर्व करने में। और जिंक स्पर्म्स की मोर्टैलिटी फर्टैलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अब चीज़ें आप यूज़ कीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर स्लीप करें, जब स्लीप करेंगे आपका इम्यून सिस्टम बिल्ड होगा, आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम एक्टिव होगा, जितने भी फ्री रेडिकल्स होंगे, कोई वायरस बैक्टीरिया जितने जो भी डैमेज करते हैं आपके स्पर्म्स को, जितना स्ट्रेस ऑक्सीडेंट था उसको भी मैनेज करने में हेल्प होती है आपकी। और माका लीजिए, 3-5 माका कंटिन्यू यूज़ कीजिए, और इसको यूज़ करने का तरीका होता है एक सुबह और एक शाम खाने के दरमियान में लेते हैं, और क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। और अश्वगंधा आपको दिन में एक बार लेना होता है। और इसके अलावा और जो आपके अपने डॉक्टर जो आपके हेल्थ जो केयर करते हैं आपके हेल्थ एडवाइज़र, उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं आपके लिए क्या बेटर है, अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन है, मैं जो मेरे माइंड में आया, जो मैं समझता हूँ कि मेरे जो मैं अपने क्लाइंट्स को मोस्टली एडवाइस करता हूँ वही मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ। ये चीज़ें करेंगे तो आप इस चीज़ को आपका स्पर्म्स का इंक्रीज़ होगा और चांस होगा आपको प्रेगनेंसी का। इसका और आपका क्वेश्चन है, यू फ्री टू आस्क मी। स्टे सेफ इन योर फैमिली, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।